आजकल एयर पोल्यूशन को लेके सभी परेशान हैं और आपको इसके बहुत सारे इंस्टेंट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एयर पोल्यूशन की परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में। और ये परमानेंट सॉल्यूशन छिपा हुआ है हमारे खाने में, जिसे आजकल की मॉडर्न साइंस फूड थेरेपी कहती है, और उसी चीज को हम पिछले 5,000 साल से भी ज्यादा आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो आइए जाने कि हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा छोटा सा बदलाव करें जिससे इस एक्टिविटीशन से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत करती हूँ। प्लास्टिक रोटी मेरा एक प्रयास कि हमारी आने वाली रोटी रोटी रहे, प्लास्टिक की ना बन जाए। और आजकल वही रोटी हम लोग प्लास्टिक के पैक इस तरह के पॉलिथिन में लेके आते हैं, और बस हमें यही एक चीज बदलने की जरूरत है। तो पहले जान लेते हैं कि फूड थेरेपी क्या है। फूड थेरेपी एक सिंपल सी चीज है कि आपके आसपास 50 से लेकर 100 किलोमीटर की डायमीटर में जो भी नेचुरली चीजें हो रही हैं वो आपको खानी चाहिए, और वो उसी तरह से खानी चाहिए जिस तरह से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे। और यही मूलभूत सिद्धांत आयुर्वेद का भी है। गेहूं की रोटी हम सभी खाते हैं, पर गेहूं का आटा किस तरह का पिसा हुआ है, कितना पुराना पिसा हुआ है, ये मूलभूत चीज वो फैसला करती है कि वो हमारे पेट में जाके एसिडिटी बनाएगी या उसको ताकत देगी। जब मैं प्लास्टिक फ्री लाइफस्टाइल की तरफ स्विच करना चाह रही थी, तो मैंने सिर्फ ये बदलाव इसीलिए किया था क्योंकि मैं हर महीने इस तरह का एक पॉलिथिन नहीं फेंकना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि इससे डाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड जिनको आज से 2 साल पहले बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम थी, आज जो उन्हें हर हफ्ते होती थी अब 3 महीने में एक बार होती है, और उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए, कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं, जो उनकी डिफॉल्ट लाइफस्टाइल थी वही चल रही है। पर एक छोटा सा फर्क, अब जो हम आटा खा रहे हैं वो ताजा पिसा हुआ है। मैं आटा पिसवाते हुए इन 3 चीजों का ख्याल रखती हूँ। नंबर 1, आटा मैं गोल पिसवाती हूँ, ज्यादा बारीक नहीं करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि यही वो फाइबर है जो कि हम बिस्किट्स में खाते हैं। नंबर 2, मैं उसे घर आके छानती नहीं हूँ, क्योंकि छानने का फायदा ही नहीं है। जो फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए इतना ज्यादा जरूरी है उसी को आप साफ करके फेंक दें, उसका कोई फायदा नहीं है। 3, मेरे आटे में गेहूं के अलावा और 8 से 10 चीजें होती हैं। ये 8 से 10 चीजें जो है वो आपके एरिया के हिसाब से बदल जाता है। मैं यहाँ यूपी में रहती हूँ, तो यूपी में आसपास जो चीजें कुदरती तौर पे उगती हैं मैं उन्हें ही लेती हूँ। अगर आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ पे कुछ एक अनाज ऐसे हैं जो यूपी में नहीं होते, जैसे कि मटकी। मटकी महाराष्ट्र में खूब खाया जाता है और वो वहीं पे सबसे अच्छा और कुदरती तौर पे उगता है। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे अपने आटे के साथ और कौन कौन सी चीजें मिक्स करनी चाहिए, तो मुझे नहीं मालूम। इसका सही जवाब आप उससे 2 लोग दे सकते हैं। 1, आपके दादा दादी या नाना नानी जो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, और दूसरा अगर आप कहीं और माइग्रेट हो चुके हैं, आप उस एरिया की सबसे पुरानी आटा चक्की ढूंढिए और उससे पूछिए, क्योंकि वो ये बुनियादी आयुर्वेदिक चीज पिछले 30 या 25 साल से कर रहा होगा। उसको मालूम होगा कि उसके एरिया में आसपास कौन सी चीजें उगती हैं और पिछले हजारों सालों से उस आटे के साथ और कौन कौन से अनाज डाले जा रहे हैं, या और कौन कौन सी डालें, या जो भी आप डलवाना चाहें वो डाले जा रहे हैं। मैं गेहूं के आटे के साथ डलवाती हूँ चना, मूंग, सोया, बाजरा, जौ, ज्वार, मकई और रागी। इन सभी के साथ गेहूं मोटा पिसता है, बारीक नहीं। आजकल ये जो माना जाता है कि जितना बारीक आटा उतना अच्छा, बिल्कुल गलत है। मोटा पिसा हुआ आटा बारीक पिसे हुए आटे से बहुत अच्छा है। बहुत सिंपल है, मोटे पिसे हुए में फाइबर रहता है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर रहता है, और वहीं बारीक पिसे हुए आटे में फाइबर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलते हैं। हमारी बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ हमारा आलस है। आलस सिर्फ इतना नहीं कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, पर आलस ये भी कि हम किस तरह से अपने खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। तो अपने इस आलस को हटाइए और अपनी सेहत की तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और इसका फायदा जितना आपकी सेहत को होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा आपके एनवायरमेंट को होगा,
और उस लोकल कम्युनिटी को होगा जिन्हें आप चाहते हैं कि फायदा दिया जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारी एमएनसीज ये बोलती हैं कि 5% हम यहाँ डोनेट करते हैं, वहाँ डोनेट करते हैं, ऐसे डोनेट करते हैं। पर अगर हम लोग अपनी खरीदारी करने का सही तरीका बदल दें तो हम उन्हें 100% डायरेक्टली फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इक्वालिटी हम खुद ही ला सकते हैं सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करके कि हम अपनी खरीदारी कैसे करते हैं। और उसका सिर्फ इतना फायदा नहीं होगा, उसका फायदा ये भी होगा कि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप असली खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। इसी तरह की और कुदरत के करीब और प्लास्टिक से दूर सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।